हेलो व्यूअर्स, अभी हम देखने जा रहे हैं AKS ऑटोमेशन मिक्स नोट काउंटिंग मशीन विद फेक नोट डिटेक्शन। अभी हम इस मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा चला के देखेंगे कि ये मशीन कैसे वर्क करती है। वीडियो लेंथी नहीं बने इसलिए मैं इसकी जल्दी से वीडियो देखूँ अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको मशीन वर्क करके दिखाता हूँ और क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये हमने सबसे पहले मशीन का बेल्ट उतार लिया, सेफ्टी बेल्ट। अभी देख लीजिए, यहाँ बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है होपर कैपेसिटी 200-300 नोट। यहाँ जहाँ की आप नोट इंसर्ट करते हैं वहाँ आप 300 नोट तक डाल सकते हैं और जहाँ मशीन नोट होल्ड करती है वहाँ 200 नोट आते हैं। काउंटिंग स्पीड 1000 पीसीस पर मिनट, मतलब 1000 नोट एक मिनट में गिन देती है। डायमेंशन आप देख सकते हैं और किस साइज तक के नोट आपके काउंटेबल हैं वो दिखा रहा है। काउंटिंग डिस्प्ले 4 डिजिट का है, बैच डिस्प्ले 3 डिजिट का, नॉर्मली जो सभी मशीनों में होता है वही चीज़ है, ठीक है। बस इसमें फंक्शन एडवांस मिलेंगे। आपका वेट इसका 5.3 केजी नेट वेट मशीन का है। पावर कंज्यूमशन आपकी 80 वाट की है, तो ज़्यादा बिजली भी नहीं यूज करेगी। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं, फीचर्स। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप क्लियर फंक्शन है, UVMGIR एम्प्टी डायरेक्शन भी है और हार्प नोट चैन नोट वगैरह है, एड बैच फंक्शन है, ठीक है। LCD कलर चेंज जब फेक नोट आता है, टोटल वैल्यू कैलकुलेशन है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है इजीली और ज़्यादातर दुनिया की नोटों करेंसियों के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो आप चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स का जैसे हम कवर ओपन करेंगे सबसे पहले किट आएगी। किट में आपको एक्स्ट्रा पावर कोड मिलेगी एंड काउंटर डिस्प्ले मिलेगा जो आपको कस्टमर को दिखाना तो आप लगा सकते हैं, एंड मैनुअल बुक है, साथ में कवर है। जब आप मशीन वर्क ना कर रहे हो तो इसे कवर करके रखिए तो मशीन काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक चलती है। तो अभी हम इसको निकाल के रखते हैं साइड में। तो हमारे बॉक्स के अंदर ये मशीन है। मशीन को निकालने के लिए आपको ये हैंडल पकड़ना है, सेंटर में ये हैंडल दिया है, इस हैंडल से आप इजीली मशीन को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं पानी कवर पॉलिथीन कवर इसका हटाता हूँ। ये आ गई मशीन हमारी सामने। तो सबसे पहले अनप्लग करेंगे। यहाँ आपको पीछे बैक साइड में पावर कोड लगाने के लिए पॉइंट दिया है, इसमें आपको पावर कोड इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाएंगे तो इस सीरियल पोर्ट में लगाएंगे और यहाँ मेन स्विच है, यहाँ से आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। तो ये मशीन आपकी रेडी हो रही है, जस्ट रेडी हो गई, ठीक। अब मैं कैमरा इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि और क्लियर आपको साफ नज़र आए क्या क्या ऑपरेशन हम कर रहे हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा मशीन, सामने आपको डिस्प्ले में क्लियर नज़र आ रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ पीसीस बताएगा, अगर हम मिक्स नोट डालते हैं तो कौन सा नोट कितनी संख्या में वो आ जाएगा। यहाँ पे टोटल नोटों की संख्या आ जाएगी कि कुल कितने नोट हैं पीसीस में, और टोटल अमाउंट आपका यहाँ सबसे नीचे आएगा। मशीन में आपको साइड में मेन कीपैड भी दिख जाते हैं, जो 4 कीपैड यहाँ मेन है वही साइड में भी हैं, इनसे भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलार्म लाइट दी गई है, जब भी कोई सस्पेक्ट नोट या फेक नोट आता है तो ये मशीन लाइट ब्लिंक करने लगेगी। साथ में इसमें स्टार्ट प्लस वॉइस फंक्शन भी है, तो वॉइस को प्रेस करके आप तो 2 सेकंड तक होल्ड रखेंगे तो मशीन की वॉइस ऑन हो जाएगी, मतलब स्पीकिंग करके बोलेगी हर चीज़। जैसे आप कोई भी रिजल्ट काउंट करते हैं, टोटल कितना रुपया हुआ, फेक नोट आया तो फेक नोट बोलेगी, ठीक है। बहुत से लोग इसको ज़्यादातर बंद रखते हैं क्योंकि ऑफिस वगैरह में डिस्टर्ब ना हो, वो नॉइज ना हो, तो उसके लिए क्लोज रखते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। बाकी एरर कोड मैसेज पे स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक। और अलार्म लाइट ब्लिंक करती है, मशीन बीप के जरिए भी आपको इंडिकेट करेगी कि फेक नोट आया। तो अभी हम यूज करके देखते हैं मशीन। इसके लिए मैंने ये सारे नोट ले लिए। सबसे पहले मैं इसमें 20 के नोट काउंट करूँगा, ठीक है। 20 का बंडल है 100 नोटों का। तो देखिए 100 पीसेस बता दिया, टोटल 2000 अमाउंट बता दिया और यहाँ पे कौन सा नोट है वो भी बताएगा। अभी हमने 20 के नोट डाले हैं तो सिर्फ 20 के बता रहा है 100 नोट, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं इजीली आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें मिक्स नोट डालता हूँ। पहले 500 के नोट काउंट करके दिखा देता हूँ। 500 के ये 10,500 रुपये हैं टोटल, ठीक। 10,521 नोट हैं और यहाँ 500 के आपके 21 नोट बता रहा है। अब मैं ये सभी नोटों को डालता हूँ एक साथ ताकि आपकी चेकिंग हो जाए। 500 के आपके 21 नोट हैं, 100 के 20 नोट हैं, 20 के 100 नोट हैं,
और एक 500 का ले लेता हूँ, एक 10 का नोट कहीं भी आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका काउंटिंग फिर भी आपका प्रॉपर होगा। अब ये टोटल वैल्यू बताएगा सभी नोटों की, और टोटल नोट कितने हैं वो भी बता देगा। तो आप जानते हैं 100 नोट 20 के हैं, 500 के 21 नोट हैं, 100 का नोट है और एक 10 का नोट है। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। टोटल 123 नोट हो गए, टोटल 123 नोट, 12,610 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। और यहाँ नोटों की संख्या देख सकते हैं आप, 500 के 21 नोट, 100 का एक नोट, 50 का कोई नहीं था, 20 के 100 नोट और 10 का एक नोट, ठीक है। इस तरीके से आपने टोटल रिजल्ट देख लिया। अब मैं इसमें फेक नोट डिटेक्शन भी दिखा देता हूँ साथ में, मिक्स नोट के साथ ही। ये 20 की गड्डी है, इसमें 20 का नकली नोट मैंने मिला दिया 20 की गड्डी के बीच में ही। अब इनको इकट्ठा डाल देता हूँ, जैसे ही फेक नोट आएगा मशीन रुक जाएगी, ठीक है। देखिए नकली नोट आती है आपका मशीन रुक गई, और यह आपके अलार्म लाइट ब्लिंक करने लग गई और मशीन रुक रुक के बीप भी दे रही है। साथ में आप स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है वो पढ़ सकते हैं, जूम करके आपको रीड आउट करा देते हैं। ये देखिए, सस्पिशियस नोट डिटेक्टेड बाय MG सिस्टम। तो इस तरीके से आप नकली नोट पहचान सकते हैं। तो नकली नोट निकालना है, ये आपका ऊपर स्टेकर में जो लास्ट नोट होगा वो नकली होगा, साइड में कर लेंगे, ठीक। और आगे की काउंटिंग के लिए या तो आप स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिए या इन नोटों को उठा के रख दीजिए, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 123 पीस, 12,610 रुपये। अब इसका दूसरा एडवांस फीचर है, मैं एडवांस फीचर ही बताऊंगा, बाकी सब फीचर आप मेरी डिटेल वीडियो में भी देख सकते हैं। अभी चलिए देख लेते हैं, फटाफट बता देंगे। तो अभी ये 500 मैं सॉर्टिंग मोड बता देता हूँ, मैंने 500 के नोट अलग कर लेता हूँ, चलिए 500 के नोट के साथ सॉर्टिंग बता देता हूँ, ठीक। 500 के 21 नोट हैं, आपको पता है यह गड्डी होती है आपकी, इसमें मैंने 100 का नोट मिला दिया, एक 10 का भी नोट मिला देता हूँ और एक 20 का भी मिला दिया, ठीक है। तीन इसमें मैंने डिफरेंट नोट मिलाए हैं। अब इनको हमें छांटना है, मान लीजिए आपके पास गड्डी होती 500 की पूरी, तो आप कैसे इसमें कोई डिफरेंट नोट आता तो कैसे निकालते। तो इस शॉर्ट बटन का प्रेस करेंगे, अब इसको इंसर्ट कर देंगे, जैसे डिफरेंट नोट आएगा मशीन सेम सस्पेक्ट नोट की तरह डिटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आपका ये है, इसको निकाल देंगे। फिर आगे देखते हैं दूसरा नोट कौन सा, ये 100 का आ गया, इसको भी निकाल के आगे काउंटिंग करते हैं, ये आ गया आपका 10 का। तीनों नोट आपने छांट लिए, बाकी 21 नोट आपके अलग आ गई है 500 के। इस तरीके से आप इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक। बैच बनाना है तो बंडल बनाना है, जैसे 100 नोट है मुझे 50 नोट इसमें से निकालने हैं, तो आप पहले क्लियर कर लीजिए, टोटल मोड पे आ जाइए, उसके बाद आपको काउंट मोड पे आना है। काउंट मोड पे आने के बाद आपको जितने का भी बैच बनाना है मैनुअली प्रेस कर दीजिए। 50 मैंने प्रेस कर दिया, पहले बैच प्रेस करना है। बैच प्रेस करने पे 100 का आ रहा है तो प्रीसेट होता है, आप बार बार प्रेस करेंगे तो जो प्रीसेट ऑप्शन होते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन हमें मैनुअली बनाना है तो हम मैनुअली भी बना सकते हैं। मैंने 25 चूज कर दिया क्योंकि 25 प्रीसेट नहीं था, 25 नोट छांट दिए, इसको हटाते ही अगले 25 छांटेगा, फिर अगले 25, इस तरीके से इसमें बैच बना सकते हैं। अब देखते हैं ऐड मोड का यूज, टोटल पे आ जाते हैं। ऐड मोड में क्या आपका सम लगातार सम करता जाएगा, तो ऐड कहाँ है आपका, यहाँ पे। अभी मैंने 100 नोट डाले, अब इसको जितनी बार भी काउंट करूंगा तो सम होता जाएगा, इसमें एक नोट मिस हो गया, एक बार रीचेक कर लेते हैं। अच्छा, मैंने 20 का नोट बाहर निकाला था, ये रहा साइड में है, ठीक है। तो 99 ही गिना, मशीन अपनी जगह सही काम कर रही है, फिर से क्लियर कर लेते हैं। अब ये टोटल 100 नोट हो गए, ठीक। हम आएंगे अब ऐड मोड पे, तो ऐड प्रेस करेंगे, ऐड एक्टिवेट हो गया। पहली बार ये 100 काउंट करेगा, जब मैं इसको दोबारा या तिबारा डालूंगा तो सम करता जाएगा। अभी 2,000 रुपये हैं, अब दोबारा डालता हूँ तो 4,000 रुपये हो जाएंगे। साथ में चाहे तो आप मिक्स नोट भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये डालूंगा तो उसमें ऐड करके दिखा देगा, ठीक है। अब साथ में वैल्यू भी आपकी ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं, ऐड मोड में लगातार आप गिनती कर सकते हैं। अब क्लियर कर देते हैं। अब इसमें ऑटो मैनुअल का ऑप्शन देख लेते हैं। अभी तक मशीन ऑटो में चल रही है, जैसे आप नोट डालते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, फास्ट वो यूजिंग के लिए होता है ऑटो मोड।
और अगर आप नए यूजर हैं, नोट रखने में परेशानी हो रही है, तो मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल बटन प्रेस करके आप नोट रख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट बटन आराम से दबाइए, तब काउंटिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो ये हो गया आपका मैनुअल मोड, और जब हाथ साफ हो जाए तो आप ऑटोमेटिक मोड का यूज कर सकते हैं। तो बाकी आपको सारे फंक्शन बता ही दिए मैंने। आप इसमें करेंसी यूज देख लेते हैं क्या क्या है। आप इसमें US डॉलर काउंटिंग एंड डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरो काउंटिंग एंड डिटेक्ट कर सकते हैं, और पाउंड, और बाकी इंडियन करेंसी आप मिक्स नोट के साथ काउंटिंग एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मशीन को खरीदने के लिए सामने दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।